Hello friends, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing physics of class 12th. This is a classroom lecture, but simultaneously it will be also available on portals, and it will be given to the students who are across the country, but they are enrolled through our online channel. Also, it will be available on YouTube few days later. Every day you will get one class. Online students will get the live lectures directly, and classroom students also get the lectures directly. Hum aaj electrostatics ki baat kar rahe hain. The class will be bilingual, that is in English and Hindi. Keeping in the mind of the majority of the students, those who write in English but they are able to understand in Hindi. So that is why we will simultaneously discuss English and Hindi together. If there is any confusion, you are free to ask any questions through our channel, and if there is any problem even after the lecture, you can write to us at arvindsinghacademy@gmail.com. So आज क्लास 12th की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं. जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि क्लास 12th की फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो टॉपिक है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो पहले चार चैप्टर की हम पहले दो चैप्टर की बात करेंगे, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी बात होगी. जैसे जैसे आपको क्लास आगे बढ़ता जाएगा, आप डेफिनेटली फिजिक्स से बहुत प्यार करने वाले हैं और बहुत प्यार करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप प्रत्येक क्लास को अच्छी तरह से समझें, सुने, और जब तक समझ में ना आए अगला लेक्चर ना देखें, उसी को दोबारा देखें. दूसरी बार में निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी. वैसे तो पहली बार में समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन मेरा प्रयास ऐसा ही है. लेकिन अगर पहली बार में कहीं कोई आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड स्लिप हो रही हो, कहीं आपकी मेंटल कंसंट्रेशन वीक हो, तो ऐसी स्थिति में आपको दोबारा उसे सुन लेना चाहिए, और दोबारा सुनने के पश्चात ये निश्चित रूप से आपसे क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि हम कहना क्या चाहते हैं. और फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसको बड़े ही पसंद से, बड़े मन से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी एवरीडे लाइफ में होने वाली घटनाएं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस विद फिजिक्स. सो आज बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट चार चैप्टर की, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. सबसे पहली बात यही समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और ये कहां से आता है. तो जैसा कि आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं, सबके सब सब्सटेंस एटम से बने हैं, और एटम किससे बना है, एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है. ये इसके तीन सब पार्टिकल्स हैं. अल्दो इसके और भी सब पार्टिकल्स खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम उतनी गहराई में नहीं जाते. ये कहते हैं कि एटम्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. आप सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में आउटर चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. ये भी आपको पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. साथ में आपको ये भी पता है कि आमतौर पर किसी एटम में, न्यूट्रल स्टेज में, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जितने पॉजिटिव चार्जेज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेज भी होते हैं. इसलिए टोटल नेट चार्ज उस पर क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि इच पॉजिटिव चार्ज वैनिशेज वन नेगेटिव चार्जेज एज वेल. तो इस तरह से एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जिस सब्सटेंस ये एटम, जिस कोई सब्सटेंस जिस इस तरह के एटम से बनता है, वो सब्सटेंस भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तब सवाल ये है कि चार्ज आता कहाँ से है. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एटम्स जो हैं वो इस तरह से बने होते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम. उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ये प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्जेज होती है और इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर में फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं.
तो प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के निगेटिव चार्ज एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, चूंकि इसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से बाउंड होते हैं। और जो दूर जितना नजदीक है वो उतना ज्यादा बाउंड है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा है। और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाती है, ऑर्बिट की लंबाई न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी, ऑर्बिट की दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता जाता है। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि ये लूजली बाउंडेड है। कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि लूजली बाउंडेड है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अगर किसी दूसरी सब्सटेंस से रब किया जाए तो रब करने के दौरान क्या होता है कि उस सब्सटेंस में जिसमें से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटेंगल हो जाते हैं। जब अचानक से हम उन्हें अलग करते हैं तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले सब्सटेंस में जिसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाता है, इसलिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होने की वजह से वह सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। जबकि दूसरा सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले से बराबर थे, उस पे कुछ और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब है कि कुछ और निगेटिव चार्ज आ गए, तो नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेज आर मोर देन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज, इस प्रकार से वह सब्सटेंस निगेटिवली चार्ज हो जाता है, निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। इस तरह से सब्सटेंस चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। एक सब्सटेंस जो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था अब एक चार्ज बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो गया और चार्ज ट्रांसफर हो गई। यानी चार्ज ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही चार्ज का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही चार्ज का ट्रांसफर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, बट ये कोई अमाउंट नहीं हुआ, निगेटिव और पॉजिटिव एक साइन हुआ। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है ये हम पता करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और कैसे पता चला ये बात कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो इन नट सेल हम ये कह सकते हैं कि चार्ज बॉडी क्या होता है, कि अगर किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो तो उसमें जो है डिफरेंट, कम या ज्यादा कुछ भी हो, तो वह बॉडी चार्ज बॉडी कहलाएगी। ठीक है। अब चार्ज करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल चार्जेज और चार्ज बाई फ्रिक्शन। जब दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं और रब करने के दौरान उनके इलेक्ट्रॉन्स, दोनों सब्सटेंस के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटेंगल हो जाते हैं, मतलब गुत्थम गुत्थी हो जाता है उनके बीच में। और जब उन्हें अचानक से हम सेपरेट करते हैं तो एक सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस में चला जाता है। इस तरह से फ्रिक्शन की वजह से एक फ्रिक्शनल एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एक सब्सटेंस पे चले जाते हैं, जिससे कहते हैं कि एक सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिवली चार्ज है और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। तो कुछ बातें इसमें लिख लेना जरूरी है। सो चार्ज, वी कैन राइट हियर चार्ज, चार्ज बॉडी चार्ज। चार्ज इज एन एजेंसी विच गिव्स अट्रैक्टिंग पावर। इट
is the state, the state of the body when number of protons are not equal to number of electrons. Okay. So the body is called electrified body or charged body. The power is called power by which it attracts other body called electricity. Electricity. Okay? Power is called electricity. The electricity produced by friction. Electricity produced by friction called frictional electricity. City produced by friction. Between two insulated body is called frictional electricity. Now the question is, electricity generated by friction is called frictional electricity, right? Electricity generated by friction is called frictional electricity, right? Okay. Now, we have to deal with the situation that frictional electricity, we have to deal with two type of situations. One, when charge is in rest and when charge is in motion. So the charge acquired by friction, that can have two characteristics. Charge in rest. Rest means static, right? So when charge is static, that is called electrostatics. Means electrostatics is the study of charge when it is in rest, static, and charge in motion, then the study of charge in motion is called current electricity. So electricity ke do parts hain, ek current electricity aur ek electrostatics. Electrostatics mein hum baat karenge charge in rest ki, aur current electricity mein baat karenge charge in motion ki. Theek hai? Ab sawal ye hai ki hum jo baat kar rahe hain ki charge in rest, charge in motion, in mein kya kya padhna hai? और ये चार्ज रेस्ट में रहता कैसे है, इसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चार्ज आता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाता है तो क्या होता है, और कौन-कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं, क्या कोई कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होती है या चार्ज का नुकसान हो जाता है, एक बॉडी में से चार्ज गया तो क्या उसमें से चार्ज लॉस्ट हो जाता है, या चार्ज एक बॉडी से ट्रांसफर होने के दौरान क्या इसमें कोई कमी नजर आती है, इसमें कुछ लॉस होता है सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर में या कुछ और. ये सारी बातें समझने के लिए हम सबसे पहले ये कहते हैं कि चार्ज बॉडी जो है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाता है तो यहां चार्ज का कोई नुकसान नहीं होता.
चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, देयर इज नो लॉस ऑफ चार्जेज। एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस पे चार्ज चाहे वो फ्रिक्शन के जरिए जाए, चाहे केमिकल रिएक्शन के जरिए जाए, या किसी और विन से जाए, चार्ज हमेशा ही कंजर्व रहता है। तो इसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कुछ एग्जाम्पल हमें लेना होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि चार्ज का कंजर्वेशन होता है। अब हम अगर एग्जाम्पल लें, कॉमन एग्जाम्पल कुछ, जिससे आपको पता चले कि कुछ ऐसा होता है, आप अपने बाल में जो ड्राइव हेयर है उसमें कॉम करें, और कॉम करने के बाद आप घर पे छोटे छोटे कागज के पेपर बिट्स कर ले, टुकड़े, बहुत महीन टुकड़े, और कॉम को उसके पास ले जाएंगे तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। वाई दिस इज सो? बिकॉज आपने जब भी इसे ड्राई हेयर से कॉम को किया, बार बार रब किया, तो इससे फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन होने की वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, जिसमें अट्रैक्टिंग पावर आ गया, जिससे बॉडी कॉम जो है इलेक्ट्रिफाइड हो गया, और कॉम इलेक्ट्रिफाइड होने की वजह से ये पेपर बिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। कॉम पे निगेटिव चार्जेस जनरेट हो गए हैं, ड्राई हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कॉम पर चले आए, इस तरह से कॉम नेगेटिव चार्जेस को एक्वायर कर ली। इसी प्रकार अगर एबोनाइट के रड को प्लास्टिक से या पॉलीथीन से रब किया जाए, किसी पॉलीथीन से रब किया जाए, तो एबोनाइट के रड पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और पॉलीथीन पे निगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, क्योंकि एबोनाइट के रड से कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉलीथीन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ग्लास रड को अगर उल से रब किया जाए तो ग्लास रड पे कुछ पॉजिटिव चार्जेज हो जाएंगे और जो उल होगा उस पे कुछ निगेटिव चार्जेज हो जाएंगे, क्योंकि उल ग्लास रड से ट्रांसफर होकर के इलेक्ट्रॉन्स उल पे चला जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर होंगे उतने ही उस पे जमा होंगे, यानी जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरे सब्सटेंस पे निगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होते हैं। ऊल या फ्लानेल को अगर हम, फ्लानेल बिल्ली की खाल होती है, ऊल तो जानते ही हैं, ऊल या फ्लानेल को अगर किसी और प्लास्टिक रॉड से और अन्य चीजों से रब किया जाए तो ये सब पॉजिटिव चार्जेज एक्वायर कर लेते हैं, प्लास्टिक रॉड जो होगा वो निगेटिव चार्जेज एक्वायर कर। इसी तरह से रबर पे भी निगेटिव चार्जेज हो जाएगा अगर उसे हम किसी फ्लानेल से या उल से रब करें, तो इस पे निगेटिव चार्जेज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि कैसे पता चलता है कि किसी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्जेज है कि किसी सब्सटेंस पे निगेटिव चार्ज है। अगर हम दो तरह के, जैसे कि हमने ग्लास रॉड को लिया और ग्लास रॉड ये है और इस ग्लास रॉड को ये प्लास्टिक रॉड के पास ले गए तो देखा कि इसमें क्या है, इसमें रिपल्सन हो रही है, ये ग्लास रड है और ये प्लास्टिक रड है, ये प्लास्टिक रड है, इसका मतलब ये है कि दोनों पे क्या है, अपोजिट चार्जेज है, लेकिन किस पे पॉजिटिव है और किस पे निगेटिव है ये तो पता नहीं चला, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है इसे पता चल गया। अब दोनों लाइक चार्जेज अगर ये अनलाइक चार्जेज है, लाइक चार्जेज रिपेल करेंगे, ये कैसे पता चला? तो एक ग्लास रड को रब किया किसी सिल्क रड क्लॉथ से, दूसरे ग्लास रड को हमने रब किया सिल्क क्लॉथ से, तो दोनों पे सेम चार्जेज होंगे। अब इस ग्लास रड को दूसरी ग्लास रड के पास ले जाएं तो हमने देखा पे चूंकि सेम चार्जेज एक्वायर हुए हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इससे ये पता चल गया कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। इसी तरह से जब प्लास्टिक रड को और ग्लास रड को एक साथ ले गए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और प्लास्टिक रड और ये जो है अट्रैक्शन इसमें लगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों पे क्या है, अपोजिट चार्जेज हैं। लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करके भी किया जा सकता है, एक चार्ज बॉडी को यहाँ पे पीथ बॉल या कुछ और लटका दिया जाए जो चार्ज कर दिया जाए, और इस पे हम अगर किसी दूसरी को किसी ग्लास रड को लेकर के आते हैं, इस पे अगर पॉजिटिवली चार्ज हमने चार्ज कर दिया और इस पे ग्लास रड को लेके आते हैं तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्लास्टिक रड को लाएंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कोई भी बॉडी चार्ज है कि नहीं है ये बात पता करने के लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, 8th-9th क्लास में सबसे पहले पढ़ाई जाती है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या होता है?
तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं, एक जार होता है, जिस जार में ये इस तरह का जार होता है, ठीक है, और इस जार में एक कंडक्टिंग रॉड लगा होता है। इस कंडक्टिंग रॉड के यहाँ पे दो लीफ लगे होते हैं, ये दो लीफ लगे हैं गोल्ड लीफ, इसीलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ये गोल्ड लीफ क्यों गोल्ड का ही क्यों लगा है जी, क्योंकि गोल्ड जब सबसे ज्यादा मिलिएबल होता है, उसके सबसे पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं, यानी शीट बनाई जा सकती है, क्योंकि ये दोनों शीट एक दूसरे से पहले जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे इस कंडक्टिंग मटेरियल के साथ यहाँ पर ये एक कंडक्टिंग हैंडल लगा होता है। यहाँ पे जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो कि ग्लास का रड लेकर के आते हैं, और ग्लास का रड लाने पे चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इससे कॉन्टेक्ट पे यहाँ पे रखने पे यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे, और ट्रांसफर होने के साथ ही चूंकि दोनों ही लीफ पे पॉजिटिव चार्जेज ट्रांसफर होंगे, इधर भी प्लस चार्जेज, इधर भी प्लस चार्जेज, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इससे ये पता चला कि ये बॉडी चार्ज है, अदरवाइज अगर ये वैसे के वैसे ही रहे, इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इससे पता चलेगा कि वो बॉडी चार्ज नहीं है। तो चार्ज बॉडी को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाने से ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये सिर्फ बेसिक नॉलेज को जस्ट हम रिवाइव कर रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं कि आपको, कि जिससे आपको पता चलेगा कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, और इस तरीके का ये थ्योरी डेवलप हुआ। बॉडी कैसे पता चलेगा कि चार्ज है या नहीं है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता चलेगा। गोल्ड चूंकि बहुत हल्का होता है, चार्ज मामूली सा ट्रांसफर होगा, तब भी ये चार्ज बॉडी चूंकि बहुत लाइट वेट है, इसकी वजह से दोनों क्या होगा, एक दूसरे से फैल जाएंगे। कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, मतलब ये तो कम से कम पता चल ही जाएगा कि बॉडी क्या है, चार्ज है। अब बात है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। ये सब हमने आपको पीछे जो एग्जांपल दिया, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज है, ये तो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ चार्जेज है। लेकिन अगर केमिकली रिएक्ट किया जाए, एक पॉजिट्रॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को, अगर हम इलेक्ट्रॉन का कोई नेग्लिजिबल मास होता है, ये नेग्लिट्रॉन पे -1 चार्जेज है, एक पॉजिट्रॉन पे भी +1 चार्जेज है, दोनों का रिएक्शन होता है तो एक एनर्जी बनती है जो गामा रे के फॉर्म में, इसमें भी ये जो होता है वो चार्ज क्या होता है, जीरो, और मास क्या होता है, जीरो। इसको कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेट चार्ज LHS में क्या है, नेट चार्ज जो है वो +1 और -1 दोनों मिलकर के क्या है, जीरो। नेट चार्ज +1 और -1 मिलके क्या है, जीरो। RHS में नेट चार्ज कितना है, वो भी है जीरो। तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में भी चार्ज का लॉस होता नहीं है, और चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, लेकिन नेट चार्ज जो होता है वो जीरो ही रहता है, चार्ज का कोई लॉस होता नहीं है, इवन इन केमिकल रिएक्शन। इसी तरह से पावर ऑफ पेयर प्रोडक्शन, एक पेयर प्रोडक्शन होता है, पेयर प्रोडक्शन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज होता है। इसका मतलब है कि अगर एक गामा रेज यानी एनर्जी को अगर एक्सट्रेक्ट किया जाए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकल के आते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी चार्ज का क्या होगा, चाहे कैसे भी रिएक्शन हो, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। इन सब रिएक्शन से आपको ये बात पता चल चुका है। इसी तरह से कोई और आप केमिकल रिएक्शन लेना चाहें, जैसे यूरेनियम का डीके होता है, तो यूरेनियम का डीके होने पे 238 इसका एटॉमिक मास होता है। जब इसका डीके होता है तो ये थोरियम में कन्वर्ट होता है और अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, थोरियम 90 और एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, अल्फा पार्टिकल में 2, ये है 92। तो यहाँ पर भी आप चार्ज देखेंगे, ये 234 होता है मास और ये 4 होता है, तो मास भी कंजर्व रहता है केमिकल रिएक्शन में और चार्ज भी कंजर्व रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल चार्जेज ऑन LHS इज इक्वल टू
92 and total charges on RHS is also 92. तो चार्ज कंजर्व रहता है चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल ट्रांसफर हो. दो चीजें और बताना चाहेंगे. बॉडी चार्ज तीन तरह से हो सकता है. मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी चार्जिंग. एक तो फ्रिक्शनल होता है, फ्रिक्शनल बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन ये लिख सकते हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन. ये आपको अब बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे गए हैं कि जब दो बॉडी को रब किया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, और इसको हम कहते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन और बॉडी चार्ज हो जाती है. दूसरा है चार्ज बाय इंडक्शन. चार्ज बाय इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से बॉडी चार्ज हो जाती है. क्या मतलब है? अगर एक हमारे पास चार्ज बॉडी है, मान लीजिए कि बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज है पूरी तरह से, आउटर सरफेस पे इसके चार्ज है पॉजिटिव. अगर हम इसके दूसरी बॉडी इसके जैसा ले आए या कैसा भी ले आए दूसरी बॉडी और इसके करीब ले जाए, तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर ही है, है ना? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, लेकिन जब ये चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज इसके करीब आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे. नतीजा ये होगा कि इस पे निगेटिव चार्ज बाहर की ओर आ जाएगा और अंदर में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की ओर आउटर सरफेस पे आ जाएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि चार्ज बाय इंडक्शन. इंड्यूस्ड हो गया निगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इट. ठीक है. तीसरा होता है चार्ज बाय कंडक्शन. चार्ज बाय कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है कि ये चार्ज ट्रांसफर हो, कंडक्ट हो. जैसे ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और हम इसी तरह का एक दूसरा बॉडी ले आए और उसको इसके कॉन्टेक्ट में रखें. पहले से ही अनचार्ज था, अब इसके कॉन्टेक्ट में थोड़ी देर रखेंगे तो अलग होने के बाद दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जितना चार्ज पहले बॉडी पे था उसका आधा आधा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाएगी. यानी अगर ये बॉडी पे चार्ज Q था तो यहाँ पे Q by 2 और यहाँ पर भी Q by 2 होगा, यहाँ पर भी Q by 2 चार्ज होगा. तो इस तरीके से चार्ज दोनों पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना? तो इसके साथ ही हम थोड़ा आगे बात करते हैं कि चार्ज इस तरह से दो तरह से कंडक्ट हो सकते हैं. और तब आप सोच रहे होंगे कि चार्ज और मास में अंतर क्या है. व्हाट इज, मास भी अगर कंजर्व्ड है, चार्ज भी कंजर्व्ड है, तो फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि चार्ज का रोल, चार्ज जो होता है इसका रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ग्रेट रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसका ग्रेट रोल है. इट हैज ग्रेट रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म ये मास का रोल ग्रेविटेशन में है. इट हैज ग्रेट रोल इन ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन ग्रेट रोल इन ग्रेविटेशन. ठीक है. चार्ज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव एंड कैन बी जीरो. चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव और इवन जीरो. बट मास कैन नॉट बी, नेवर बी निगेटिव और जीरो. मास कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव और निगेटिव. मास कैन नॉट बी निगेटिव और इवन जीरो. पॉइंट मास है, मास इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल फॉर सम काइंड ऑफ थिंग्स बट इट हैज सम स्मॉल मास. इवन वी कैन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल बट इट हैज सम मास. सो इट कैन नॉट बी निगेटिव और जीरो. एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट पॉसिबल. मास चार्ज इज इनडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी. इवन बॉडी मूविंग वेरी फास्ट वेरी स्लो, चार्ज डजंट मैटर. चार्ज इज इनडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. इज इनडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. इनडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी ठीक है. चार्ज का वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी.
depend on velocity. Velocity at a body is equal to rest mass. Mass at any point is equal to rest mass upon under root 1 minus v square by c square. यानी velocity अगर बढ़ेगी body की तो ये चीज बढ़ेगा. ये चीज बढ़ेगा क्योंकि light की velocity तो सबसे ज्यादा होती है. उतनी तो किसी की velocity होती ही नहीं है. तो अगर body की velocity move कर रही है तो ये बढ़ेगा. ये बढ़ेगा तो overall ये बढ़ेगा. ये 1 माइनस अगर बड़ी चीज घटाएंगे तो और ज्यादा छोटी चीज होगी. जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल मास बढ़ जाएगा. वेयर m0 इज कॉल्ड रेस्ट मास. रेस्ट मास मींस मास एट 0, नो वेलोसिटी. एंड m इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम विद व्हेन बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v. तो इसका मतलब ये हुआ कि मास जो है बॉडी, आइंस्टीन का रिलेशन है, वेलोसिटी मास रिलेशन है. और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है. तो मास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, देन इट्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला. एंड वी हैव सीन दैट व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज मास आल्सो इंक्रीजेज. सो मास विल इंक्रीज with increase of velocity. ठीक है. तो ये भी हम कह सकते हैं कि net charge remains conserved in a system है ना. मास का ये स्पीड के साथ थोड़ा बहुत वेरिएशन होगी, इसलिए उसको इस तरह से कंजर्व नहीं कहा जा सकता एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए. हाँ, ओवरऑल कंजर्व रहेगा, लेकिन एक सिस्टम में ये इनवेरिएबली चेंज हो सकता है ड्यू टू चेंज इन द मास विथ वेलोसिटी. तो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मास जो है वो चेंज हो सकता है. तो इस तरीके से एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है आज का. अभी आधे घंटे आपने लगभग इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा. अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे और बात करेंगे कि ये चार्ज का क्या रोल है और चार्ज का क्या क्या, स्टैटिक चार्जेस का क्या क्या एप्लीकेशन है. टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं. ठीक है, अगली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको इसका पूरा पार्ट समझ में आएगा. टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस.